चलिए भाई, तो कल हमने जो चैप्टर का स्टार्टिंग किया था उसमें बेसिकली हमने दो तीन चीज़ें क्लियर करी कि जब भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेनली आपके लिए चार चीज़ें करेगा। स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, आपको कुछ राइट्स देगा। और यहाँ पे टोटल थ्री टीयर मशीनरीज काम करेंगी, एजेंसी काम करेंगी, जिनके थ्रू अलग अलग लेवल पे कोड बनेंगी और वो आपका सोल्यूशन निकालेंगी। और ये पूरे इंडिया पे अप्लाइड है, चाहे कोई लार्ज कंपनी हो चाहे स्मॉल कंपनी हो। और लास्टली यहाँ पे जो आप कंप्लेन फाइल करोगे वो हो सकती है किसी डिफेक्टिव गुड्स के लिए या डेफिशिएंसी के लिए या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए। अब एक नया टर्म आता है हमारे पास, सबसे पहले हमको आज ये जानना है कि कंज्यूमर कौन है। हम बार बार बड़े आसानी से कह देते हैं हु इज कंज्यूमर, भैया जो चीज़ें कंज्यूम करने के लिए लेता है वो कंज्यूमर है। बड़ा सिंपल सा एक टर्म होता है, जो रीसेल नहीं करता खुद यूज करता है वो कंज्यूमर है, हमारी लैंग्वेज में ये। लेकिन लॉ के लैंग्वेज में इसका थोड़ा अलग मीनिंग है, और लॉ किसे कंज्यूमर मानता है वो देखते हैं। लॉ जब कंज्यूमर के रिलेटेड बात करता है तो लॉ कह रहा है अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां तक की बात तो मैं समझती हूँ। जो बाय करता है गुड्स वो तो कंज्यूमर है, लेकिन जब आपने गुड्स बाय किए हो तो आपने उसके बदले में कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट किया हो, चाहे कम या ज्यादा। बिना कंसिडरेशन, बिना पेमेंट के अगर कोई चीज आपको मिली है, इट इज लाइक डोनेटेड और गिफ्टेड, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगा, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है, इफ समथिंग इज गिवन टू यू बट वो बिना पेमेंट, बिना मनी ट्रांजेक्शन के आपके पास आया है, तो आप इंडिया में कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है, तो कंज्यूमर होने के लिए पहला तो आपको कंसिडरेशन पे करना होगा। और एनी यूजर ऑफ सच गुड व्हेन सच यूज इज मेड अप्रूवल, या फिर आपने चीजों को किसी को लेने के लिए अप्रूव किया हो, आपने अप्रूव किया हो तो वो बायर बने। ठीक है, मतलब ऐसा समझे कि चीज ले आप रहे हैं लेकिन आपने कंपनी को कहा जी मैं इसको दिलवा रहा हूं तो आप इसे दे दें और मैं बोल रहा हूं कि ये बायर होगा, इसके नाम पे बिल बनाना। तो कंपनी को इससे मतलब नहीं है, पेमेंट कहां से आया, बिल जिसके नाम पे बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बायर यानी कि कंज्यूमर बन जाएगा। तो पॉइंट यहां पे आया, इसको दो तरीके से लेते हैं। मान लीजिए किसी शादी में आप जा रहे हैं तो आपने गिफ्ट खरीदा, तो आपने बिल तो अपने नाम पे बनवाया, ठीक है, और जाकर के वहां गिफ्ट कर दिया, तो आप उस कंपनी के लिए कंज्यूमर हैं, जिसको आपने गिफ्ट किया उस वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, लेकिन फादर ने कोई चीज ली और बोला मेरे बेटे के नाम पे बिल बना दो, तो बेटा क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया। ठीक है, तो दो तरीके से इंडिया में आप कंज्यूमर बन सकते हो, या तो आपने पेमेंट देके चीज ली हो या बायर ने ही अप्रूव किया हो कि ये बंदा मेरा, आप कंज्यूमर इसको मान लो। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेकिन दोनों में एक चीज आप नोटिस करना, कंसिडरेशन आया है, बिना कंसिडरेशन के आप नहीं बनोगे। तो अल्टीमेटली जब भी कोई गुड्स बाय किए जाएंगे कंसिडरेशन के थ्रू, बड़ा इजी वर्ड आ गया, इजी वर्ड में लें, जब भी कंसिडरेशन देकर कोई भी गुड्स खरीदा जाएगा तो वो बंदा कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बात आती है दो डेफिनेशंस की। पहली डेफिनेशन तो गुड्स पे आ गई, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम दो चीजें खरीदते हैं मार्केट में, गुड्स एंड सर्विस। तो सर्विस अगर आपने खरीदी है तो क्या आप कंज्यूमर हैं, ये चेक करने के लिए आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये दे रहा है कि गुड्स को तो हम बाय करते हैं, लेकिन सर्विस जो है ना उसके लिए बाय नहीं लिखेंगे, अवेल और हायर। या तो आपने हायर किए या आपने अवेल किए, अवेल वर्ड इज अ गुड वर्ड फॉर सर्विस। ठीक है, तो अ पर्सन हु हायर और अवेल द सर्विस फॉर कंसिडरेशन, लाइन बिल्कुल सेम है। सर्विस भी अगर कंसिडरेशन में ली है तो ही आप कस्टमर या कंज्यूमर बनेंगे, लेकिन सर्विस के लिए वर्ड थोड़ा अलग हो जाएगा, गुड्स को बाय करने का वर्ड आएगा, सर्विस को अवेल और हायर करने का वर्ड आएगा। ठीक है, फिर से वही पॉइंट कि या तो पर्सन हु हायर और अवेल अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन और एनी बेनिफिशियरी, या फिर बेनिफिशियरी जिसको आपने वो सर्विस दी है किसके अप्रूवल से, बायर के अप्रूवल से। ठीक है, तो बायर ने अगर किसी को सर्विस दी है कि जी मेरी जगह ये यूज करेगा इसको कस्टमर मानना, या फिर आपने ली है और आपने उसका पेमेंट किया है, तो फिर से वही पॉइंट, जो सर्विस फ्री में मिली है उसके लिए आप कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, तो पूरे पॉइंट में दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन
और एक वर्ड बाय द गुड्स और अवेल द सर्विस, इस पे आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। अब वो आपको कंसिडरेशन का मतलब भी दे रहा है। कंसिडरेशन, एक और इसमें डीप में जाना है कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है अभी दें, फ्यूचर में दें, आधा दें, पूरा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होना चाहिए। इंडिया वॉन्ट्स कंसिडरेशन, इट डजेंट मीन इट शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब सही कंसिडरेशन आना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन आना जरूरी है। इट मीन्स अगर आपने अपनी 100 रुपए की चीज मुझे 10 रुपए में भी बेची है, तो मैंने तो 10 रुपए में खरीदी है भाई, आपकी मर्जी, आपने 10 में क्यों बेची भाई साहब, मैंने पेमेंट किया। हाँ, अगर आपने 100 की चीज मुझे फ्री में दी होती तो बात अलग होती, बट मैंने पेमेंट किया है, भले 1 रुपया ही किया हो। तो कंसिडरेशन कितने तरीके से आ सकता है इंडिया में, वो देखिए। कंसिडरेशन मीन्स दैट द गुड्स और सर्विस आर आइदर ही फुली पेड। फुली पेड का मतलब समझ पा रहे हैं, या तो आपने हाथों हाथ पूरा पैसा दे दिया। दूसरा भी क्या ऑप्शन चलता है कि इंडिया में पार्टली पेड, अभी दे दो कुछ, कुछ बाद में दे देना, होता है। और या फिर डेफर्ड पेमेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट स्कीम, चलती नहीं चलती भाई, ईएमआई। कार उठा लाओ, 10 लाख की कार पे आप अपना 1 लाख रुपए जमा कराओ, 9 लाख रुपए ईएमआई पे जाता रहेगा, ठीक है। मोबाइल मिल रहे हैं, सब ईएमआई पे मिल रहा है आज के टाइम पे। तो ये क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब मैं 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में आपको, हाँ बोल रहे हो कैसे हुआ। पार्टली पेड का मतलब है इतना दे दिया है, इतना और दे देना, मैंने आपके उसमें मंथली कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई है, मतलब उधार भी नहीं कि बोल रहा मैं उसको, भाई अभी तू दे जा, बता कितने दिन बाद देगा बाकी का पेमेंट। हाँ, इंस्टॉलमेंट मंथली क्वार्टरली ऐसे होती हैं, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पे ये है कि भाई आपको आज आप 50,000 में 25,000 का पेमेंट कर गए, 25,000 का पेमेंट मुझे 20 दिन बाद दे जाना, तो मैंने कौन सी इसको इंस्टॉलमेंट बनाई, 20 दिन बाद दे दूंगा, या 6 महीने बाद दे दूंगा, या 5 महीने दूंगा एक साथ। बट इंस्टॉलमेंट बन गई, वहां पे आपका फिक्स हो गया कि 10,000 हर मंथ आपको देने ही देने हैं। तो वैसे आ जाए, चाहे फुल्ली आ जाए, चाहे पार्टली आ जाए, वो आपके आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो इसका मतलब आगे जो लाइन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़े पहले, मैं बाप को बोल चुका हूं कि हु डज नॉट इंक्लूड द पीपल हु अवेल द सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पज और फॉर ऑब्टेन द गुड्स फॉर रीसेल और सम कॉमर्शियल पर्पज। ये हम पहले बोल चुके हैं कि आपने गुड्स खरीदे फॉर कंसिडरेशन, ये तो ठीक है, लेकिन वो कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए। अगर आप, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप कहोगे होलसेलर भी तो मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है, वो भी फिर बायर हो गया, वो भी कस्टमर हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने आगे बेचने के लिए लिए, तो वो भी तो रिटेलर को देगा, लेकिन रिटेलर भी कस्टमर नहीं है, उसने भी आगे बेचने के लिए लिए हैं। अब जो रिटेलर से लेके जाएगा वो कस्टमर है, वो पैसे देके चीज लेके गया, क्योंकि उसको आगे किसी को बेचना नहीं है, वो रीसेल के पर्पज से नहीं ले रहा, वो कॉमर्शियल पर्पज से नहीं ले रहा, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो वो कस्टमर माना जाएगा। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, बाय द गुड्स, अवेल द सर्विस, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फुली पेड, पार्टली पेड और डेफर्ड स्कीम इंस्टॉलमेंट में, और आप जो चीज खरीद रहे हो वो कॉमर्शियल पर्पज या रीसेल के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक बेसिक आइडिया हुआ कि कंज्यूमर कौन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसके बाद आता है कि चलो ठीक है भाई, किसी कस्टमर के साथ गलत हुआ, तो हम अभी ऊपर पढ़ के आए, हमारे यहाँ एजेंसीज हैं, आप वहां जाके क्या कर सकते हो, कंप्लेन। तो कंप्लेन इंडिया में कौन कौन फाइल कर सकता है, मतलब किस किस को राइट है, मतलब अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं तो आपको लगेगा अरे सर मेरी कंप्लेन तो मैं ही फाइल करूंगा, मुझे प्रॉब्लम है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में आपके बिहाफ पर कोई और भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। कौन कौन, तो देखते हुए चलेगा, आपको अपने आप पता लगता जाएगा कौन कौन आपके बिहाफ पे आपकी कंप्लेन फाइल करेगा। पहला पहला तो आपको पढ़ते ही आएगा, खुद कंज्यूमर, वो तो कर ही करे, लेकिन देखो क्या होता है इंडिया में एक प्रॉब्लम है, अकेला आदमी है ना, कहीं भी जाने में शर्माता है, थोड़ा सा उसको हिचक आती है, उन्हें कहा यार मैं कहाँ वो कोर्ट के चक्कर काटूंगा, तो बेचारा वो छोटी सी चीज के चक्कर में जाएगा ही नहीं, तो उसको क्या चाहिए होता है, किसी का सपोर्ट। तो इंडिया में क्या बनी हुई है, कंज्यूमर एसोसिएशन। आप कुछ मत करो, आप मत जाओ, आप इन कंज्यूमर एसोसिएशन के पास जाओ, इनके मेंबर बन जाओ, उनसे बोलो देखो सर मेरे पास तो इतना प्रॉब्लम टाइम है नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप मेरा सेक लेके वहां जाएं। तो इनका काम ही यही है कि अगर इंडिया में किसी कंज्यूमर के साथ गलत होता है तो ये उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और ये आपके बिहाफ पे कोर्ट जाएंगे, तो इनको भी राइट है आपके बिहाफ पे कोर्ट जाने का। तीसरा, सेल
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती है, क्योंकि भैया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करती है। तो किसी कस्टमर के साथ अगर गलत होता हुआ नजर आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको नजर आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो आप चले जाओ, तो वो भी जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, न्यूमरस कंज्यूमर का मतलब समझे क्या, इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर हो सकते हैं। अरे भाई एक प्रोडक्ट दो या तीन लोगों ने भी तो मिलकर खरीदा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज लें तो एक घर खरीदा चार भाइयों ने मिलकर, तो चारों की प्रॉपर्टी हो गई ना, तो चार बायर हैं। या एक कोई पर्टिकुलर मशीन खरीदी चार लोगों ने, चार पार्टनर्स ने मिलकर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पार्टनर या चारों ब्रदर ही कोर्ट में जाएं, उनके बिहाफ पे कोई एक भी जा सकता है। तो न्यूमरस कस्टमर के बिहाफ पर एक बंदा जा सकता है, ठीक है। दोनों पॉइंट है इसमें, वन और मोर, चारों के चारों जाना चाहें तो जा सकते हैं, और चारों कहते हैं यार अपन को इतना टाइम नहीं है, हमारे बिहाफ पे एक बंदा चला जाए, तो वो भी जा सकता है। तो यहां पे वन और मोर कंज्यूमर चले जाएंगे। और उसके बाद लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड कंज्यूमर, डिजीज यानी कि जिसकी डेथ हो गई है। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसकी डेथ ही हो गई, तो जिसको प्रॉब्लम हुई वो तो बचा ही नहीं, तो कौन जाएगा? तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर जो उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो कोर्ट जाएंगे। जैसे कि फादर के बाद उनके सन, डॉटर, उनकी वाइफ, ये सब लोग जाएंगे और बोलेंगे सर हम उनके बिहाफ पे आए हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ, ठीक है। तो लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर, इतने सारे लोगों को राइट है कोर्ट जाने का, कंप्लेन करने का। दोबारा बोले, सबसे पहले कंज्यूमर, उसके अलावा एसोसिएशन कंज्यूमर्स की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत सारे कंज्यूमर में से या तो कोई सिंगल या सारे, ठीक है, बिहाफ पे, और या फिर किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वो लीगल हायर्स वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। पूछ रहे, तो ये पहला हो गया कौन कंज्यूमर है, दूसरा हो गया कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन, ठीक है। अब बात आती है जो हम बार बार एक वर्ड पढ़ के आए थे शुरू में, स्पीडी, यहाँ पे सारा काम स्पीडली होता है। तो वो स्पीड का टाइम अब आपके पास आ रहा है कि कितने टाइम में हमारी कोर्ट को इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करके देना होता है, तो वो टाइम है 3 मंथ, ठीक है। इंडिया में कंज्यूमर के कोर्ट को कंज्यूमर का केस मैक्सिममली 3 महीने में हैंडल कर देना है, लेकिन ये वाला पॉइंट 5 मंथ भी हो सकता है अगर उस कंप्लेन में ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसी कोई चीज है जिसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा और वहां से वो गुड्स एनालाइज होके वहां से रिजल्ट आएगा उसका, तो फिर उसमें हम 5 मंथ। लेकिन अगर नॉर्मल चीज है जिसको कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो वो आपको 3 महीने के अंदर उस कंप्लेन को पूरा करके देना होगा, और टेस्टिंग वाली जो है उसको 5 मंथ में कंप्लीट करके देना होगा। तो ये दो टाइप के स्पीडी ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर पाओगे, यहां पर सालों का टाइम नहीं लगने वाला है, 3 to 5 मंथ, ठीक है। चलिए इस बेसिक बात के बाद अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, जो अभी अभी हम बोल के आए थे कि जब मैं रिड्रेसल के लिए जाता हूं कोर्ट के पास और कंप्लेन फाइल करता हूं, तो कोर्ट मुझसे पूछेगा भाई तुझे क्या चाहिए। तो कोर्ट कह रहा है कि कितने टाइप की चीजें कस्टमर मांग सकता है कोर्ट से, ठीक है, उसे कहते हैं हम रिलीफ। और रिलीफ वर्ड मेरे लिए आपसे इजी वर्ड है, समझ में आ रहा है, एक कस्टमर क्या मांग रहा है, सर मुझे ये रिलीफ चाहिए, तो मैं वैसी रिलीफ आपको दूंगा। तो आप अपने आप को इस टाइम पे कस्टमर मान लो, और अगर आप कस्टमर हो तो आप कोर्ट में जाकर के कौन कौन सी रिलीफ मांग सकते हो। मतलब आप सोच के चलेंगे कि मेरा एक प्रोडक्ट था या एक सर्विस थी जो मैंने ली थी और गलत हो गई, हाँ वो मांग सकते हैं, ये हमने कल हाँ कंपनी, तो ये एक एक करके पढ़ते हैं और लॉजिक लगाना कि क्या ये सारे पॉइंट आप मांग सकते थे क्या अगर आप कोर्ट में होते तो, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, पहला, सबसे पहला रिलीफ अगर मैं कोर्ट में मांगना चाहूं तो मांग सकता हूं रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स, कि सर आप तो एक काम करो, मुझे गुड्स तो यही चाहिए लेकिन इसमें जो डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम है वो ठीक करवा के दे दो, रिपेयर करवा दो इसको, ये जो सर्विस में कमी आई है ना उसको सही करवा दो। तो मतलब मैं ना प्रोडक्ट चेंज करवा रहा ना मैं पैसे वापस मांग रहा, मैं सिर्फ मांग रहा हूं रिमूव द डिफेक्ट ऑफ गुड्स, क्या हो सकता है, इजी चीज है, ठीक है। पहला,
चलो भाई मैं ये भी कह सकता हूं वहां पे, रिमूव को छोड़ो रिप्लेस। उन्हें कहा सर मुझे तो ये वाला गुड्स चाहिए ही नहीं, मुझे इसकी जगह नया गुड्स दिलवाओ, ठीक है, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो सकता है, तो चाहूं तो डिफेक्ट रिमूव करा लो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, पर जब सर रिप्लेस मांग सकता है तो रिमूव द डिफेक्ट क्यों मांगेगा, रिप्लेस ही मांग लेगा सीधा, ठीक है, एक रीजन हो गया। और ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब रिप्लेस अवेलेबल है तो रिमूव क्यों, भाई एक लॉजिकल बात सी है। हाँ भाई आप कोर्ट ने तो दोनों दे रखे हैं, ऑब्वियस ही बात है आपके सामने भी मैं रखूंगा तो कहूंगा सर रिप्लेस ही करवा दो, रिमूव द डिफेक्ट का क्या मतलब आ रहा है। लेकिन इंडिया में रिमूव द डिफेक्ट भी काफी चलता है, उसका रीजन है यहाँ पे, हाँ आपका जो अटैचमेंट आपकी चीजों के साथ हो जाता है, और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं कि कोई चीज आप मुहूर्त पे लाए थे, कुछ शगुन में आ गई थी, ठीक है, कुछ कुछ अच्छा हो गया था उस पॉइंट में, तो वहां पे भी इंडियन कल्चर काम करता है। और वहां से हमको ये लगता है कि यार मान लीजिए कोई कार आपने ली और उसके बाद कुछ लकी काम हो गए, तो आपको लगता है कि यार इस कार को जाना नहीं चाहिए, अब इसमें जो डिफेक्ट है वही रिमूव करवा लो, ठीक है, तो आपके डिफेक्ट रिमूव हो जाएंगे, आप रिप्लेस करवा दो। या फिर तीसरा, तीसरा तो पढ़ते आना चाहिए आपको, बताओ भाई, मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है सर, मेरे पैसे वापस दिलवा दो, ठीक है। और अगर मुझे कोई इंजरी हुई है उस प्रोडक्ट को यूज करने में, हो सकती है आपको कोई फिजिकल इंजरी मेंटल इंजरी हो गई जिसका आपको इलाज लेना पड़ा, तो इसके बदले में आप कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकते हो कि सर ठीक है पैसे वैसे तो आप दिलवा दोगे या रिमूव द डिफेक्ट रिप्लेस द कर दोगे, लेकिन सर इसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरा 20,000 रुपये का खर्चा हो गया हॉस्पिटल जाने का, ये कौन देगा, तो ये भी आप मांग सकते हो, ये भी आपको मिलेगा। फिर आप मांगोगे प्यूनिटिव डैमेजेस, ये थोड़ा सा आपके लिए समझने वाला वर्ड है। प्यूनिटिव का मतलब मैं आपको इजी कर देता हूं, पनिशमेंट, कि सर ये तो सब ठीक है, इस बंदे से आप मुझे कंपनसेशन भी दिलवा दोगे, प्राइस भी रिफंड करवा दोगे, लेकिन इसने जो गलत किया इसकी सजा क्या मिलेगी इसको, ठीक है, तो आप अलग से उसके लिए कोई पेनल्टी मांग सकते हो। जैसे कि इंडिया में दो ही प्यूनिटिव डैमेजेस चलते हैं, जेल और जुर्माना, ठीक है, या तो जेल की सजा लो या जुर्माना लो, तो वैसा कुछ अगर इसमें सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बैठ रहा होगा तो कोर्ट आपको वो प्यूनिटिव डैमेजेस भी दिलवा देगा, पनिशमेंट का जो पैसा है वो भी दिले मिल सकता है, या उसको जेल भी हो सकती है। चलो यहां तक तो इजी इजी पॉइंट है भैया, डिफेक्ट रिमूव करवा लो, रिप्लेस द गुड्स करवा लो, रिफंड करवा लो अपना पैसा, कंपनसेशन का पैसा ले लो और जेल या जुर्माना लगवा लो। इससे भी हाई लेवल पे आप जाना चाहते हो तो कोर्ट उसमें भी राजी है। कोर्ट से आप एक और चीज मांग सकते हो, सर डिसकंटिन्यू द अनफेयर प्रैक्टिस, सर ये जो कंपनी कर रही है ना इसको बंद करवाओ। मतलब मेरे साथ हुआ, चलो ठीक है मुझे तो पैसे मिल गए, मेरी तो इंजरी का पैसा मुझे मिल गया, लेकिन ये आगे से किसी के साथ ना हो, इस पूरे प्रोसेस को ही बंद करवाओ, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस बंद करवाया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई आप वो अनफेयर प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कराने के बाद और हाई लेवल पे जा सकते हो, और हाई लेवल पे आप कोर्ट से कह सकते हो सर ये जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है ना मार्केट में इसको हटवा लो, नॉट टू ऑफर द हैजार्डियस गुड्स, इसके गुड्स में क्या है, हैजार्डियस मतलब खतरनाक सब्सटेंस, तो ये चीजें आप हटवा दो मार्केट से, ये चीजें नहीं बिकनी चाहिए, ये मार्केट में सेल के लिए नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉट टू ऑफर, आगे से मतलब क्या बोल सकते हैं कि सर अब तक जो हो गया वो तो हो गया, आगे से ये बंदा ये हैजार्डियस गुड्स ना बेचे, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हो कि आपको कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आगे से इस टाइप की चीजें आप मार्केट में नहीं दोगे, ठीक है। फिर उसके भी हाई लेवल पे अगर कस्टमर जाना चाहे तो और जा सकता है, उन्हें कहा सर नॉट टू ऑफर तो ठीक है, उसके बाद विड्रॉ द हैजार्डियस गुड्स, चलो आगे से नहीं बनाएगा लेकिन अभी तक मार्केट में जो गुड्स रखे हुए हैं उन्हें भी कंपनी वापस मंगवा ले, एक भी गुड्स मार्केट में नहीं होना चाहिए। और ये वाला प्रैक्टिकल केस किसके साथ हुआ था, मैगी के साथ, ठीक है, पूरे मार्केट से जब लेड निकला था मैगी में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही वहां पे आपको पूरे मार्केट से मैगी विड्रॉ करवानी पड़ी थी, कोर्ट का ऑर्डर आया था कि एक भी मैगी मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए जिसमें इतना ज्यादा लेड होगा, मैगी दोबारा आए दोबारा अपना चेकिंग कराए टेस्टिंग कराए, उसके बाद अगर वो सही निकलेगी तो हम उसको मार्केट में देंगे, ठीक है। तो आप हैजार्डियस गुड्स को विड्रॉ भी कर सकते हो सेल से,
तीन चीजें एक साथ लेते हैं, जो चल रहा है सर उसको डिसकंटिन्यू करवाओ, आगे से ये हैज़ार्ड को ना बेचे, और जितने पड़े हुए हैं वो इनको वापस ले ले, ठीक है। और उसके बाद चलो और हाई लेवल पे जा रहा है बंदा और मांग रहा है, उन्हें कहा सर आप एक काम करो ना, विड्रॉ करना, नॉट ऑफर करना, एक करो इसको मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कराओ साले की हैज़ार्डियस गुड्स, ठीक है। उन्हें कैसे बना रहा है ये गलत गुड्स, पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद करवाओ, तो हैज़ार्डियस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ही सीज हो जाए, ठीक है। ये भी आप मांग सकते हो। यहां तक के पॉइंट हमको समझ में आते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिमूव करवा लो डिफेक्ट, रिप्लेस करवा लो, रिफंड द प्राइस करवा लो, कंपनसेशन मांग लो, पिनल्टी में जेल और जुर्माना मांग लो, उस अनफेयर प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करवा दो, हैज़ार्ड गुड्स को मार्केट में आगे से आने से बंद करवा दो, जितना रखा हुआ है उसको विड्रॉ करवा लो, या आगे से उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा, ठीक है। अब इन सब के बाद एक चीज आती है कि इसमें मतलब हमारे एक पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि जो भी पार्टी लूज करेगी, ठीक है, उस लूजिंग पार्टी को विनिंग पार्टी को जो पैसा देना है वो तो वो देगा ही से, चाहे कंपनसेशन चाहे रिफंड सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये विनिंग पार्टी जो है उससे कह सकती है सर इस लूजिंग पार्टी से 5% पैसा एक्स्ट्रा लो, जो कि जाएगा इंडिया के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ठीक है, जिससे इंडिया में कंज्यूमर की भलाई के लिए काम, यानी कि पे एन अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड नॉट लेस देन 5% मिनिमम है। अब फिर तो आप कोर्ट से जो मांगो और कोर्ट वो दिलवा दे वो आपके ऊपर है, तो भी यूटिलाइज्ड, मतलब ये एक फंड है, इसको ऐसे समझ लो ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड है, ये पैसा गवर्नमेंट के फंड में जाएगा, गवर्नमेंट इस फंड से किसके लिए काम करती है, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और यहीं से मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, इन्हीं पैसों से गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालती है और भी पैसा आता है, आप टीवी पे एक कैंपेन देखते हैं जागो ग्राहक जागो कैंपेन, वो इसी से चलता है, ठीक है। तो वहां पे पैसा जो आता है उससे हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाना, अपने कस्टमर को एजुकेट करना, ये एडवर्टाइजमेंट्स बनवाना, ये सारा काम यहाँ से होता है। तो आपको मैं ऑर्डर कर सकता हूँ कि आप 5% पैसा जो है इसके अंदर जमा कराएं कम से कम। फिर मैं और क्या मांग सकता हूँ कोर्ट से, मैं कोर्ट से कह सकता हूँ सर आप एक काम करो इनका एडवर्टाइजमेंट सही करवाओ, ये मिसलीडिंग एड कर रहे हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट में ये गलत है जो मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो मिसलीडिंग एड्स को भी मैं बंद करवा सकता हूं या उनको करेक्ट करवा सकता हूं, ठीक है। और लास्ट में सबसे ऊपर, चलो ये तो सब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन सब के बाद सर मैं केस लड़ने आया तो केस लड़ने में जितनी मेरी कॉस्ट लगी वो मैं क्यों भुगतूं, ठीक है। इन सब के बाद मेरी पूरा पैसा एडिक्वेट कॉस्ट जो केस में लगी है वो भी मुझे लूजिंग पार्टी देगी, ठीक है। तो ये भी मैं कोर्ट से मांग सकता हूं। इतने सारे रिलीफ अवेलेबल हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक कंज्यूमर को, ठीक है। हाँ क्यों नहीं आएंगे भैया, 10 बार आना पड़ेगा, सलमान खान नहीं आता है यहाँ पे। हाँ क्या, किस बात का केस करोगे विमल पे, हो गया काम, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट ने बोल रखा है लिख के दे दो कैंसर होता है, खाने वाला खा रहा है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, तो तुम कौन होते हो मना करने वाले, गलत क्या कर रहे हैं बताओ ना, केस ऐसे ही हो जाएगा क्या, तुम्हारी मर्जी पड़े उन्हें आज तो इस पे केस करने चलते हैं, अगर वैलिड हो रहा हो तो लो ना, अगर कोर्ट, ये कोर्ट तो कह रहा है मांग ले जितने मुझे समझ में आएंगे इस केस से रिलेटेड उतने दे दूंगा, पर तेरे पास इतने पॉइंट हैं, अब एक बार बताओ सारे पॉइंट कैसे लोगे, अगर रिमूव मांग ले तो रिप्लेस कैसे मांगोगे, रिप्लेस मांग ले तो रिमूव कैसे मांगोगे, चलो ये मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करा दी तो फिर विड्रॉ का मान लो मार्केट में एक भी पीस नहीं बचा हुआ तो विड्रॉ कैसे करवा लोगे, अरे तू तो कह देना, यही कह रहा हूं मैं, मेरा कहने का मतलब है इतनी अवेलेबिलिटीज हैं, ये आपका काम है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो एक बार ये सारे पॉइंट हमने देखे, क्या देख लिए, कपड़े हाँ बिल्कुल, अगर वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो ना, आपको प्रॉब्लम क्या आई है आप बताओ ना जाके, अगर आपको उससे सही नहीं लग रहा है तो आप जाइए कोर्ट बताइए, आप उसमें से बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम है मैं लाया हूं, आप सैंपल चेक करो इनका, ठीक है।
तुम्हारे जैसे सही। चलिए तो रिमूव द डिफेक्ट, रिप्लेस, रिफंड, कंपनसेशन, प्यूनिटिव डैमेजेस, डिस्कंटिन्यू अनफेयर प्रैक्टिस, हजार्डियस गुड्स को आगे से सेल नहीं करना, विड्रॉ कर लेना या सीज ही करवा देना मैन्युफैक्चरिंग, और 5% मिनिमम पैसा आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में देना होगा। अपने मिसलीडिंग ऐड करते हो तो वो बंद करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और इन सब के पीछे जितना मेरा खर्चा लगा है वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। सबूत लाना कोर्ट का काम नहीं है, वो आप जानो, आप वो कैसे लाके देने। अब आप एडवोकेट वाली लाइन में ना जाए, वो एडवोकेट का काम है, वो फिर मेरे पास आना ना। चलिए अब हमारे पास दो चीजें इसमें कंप्लीट हो गई। दोनों के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जहां से आपका बड़ा क्वेश्चन जो है बनता है, राइट ऑफ कंज्यूमर। जैसे हम पहले भी पढ़ के आए थे, इंडिया के हर कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हैं, किसने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। एक्ट बोलता है कि इंडिया में जो भी कंज्यूमर है उसको सब राइट अवेलेबल है, और अगर कोई प्रॉब्लम कल को आती है तो वो इन राइट्स को यूज करके कोर्ट में जा सकता है और अपना राइट मांग सकता है कोर्ट से। बोलता है सर मेरा ये राइट प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज मुझे राइट दिलवाएं, मेरे राइट को प्रोटेक्ट करें, मेरी कंप्लेंट्स को सुने। तो देखिए कौन कौन से राइट हैं जो हर इंडिया के कंज्यूमर को अवेलेबल हैं। फर्स्ट राइट, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी बड़ा सिंपल सा राइट है भाई। इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपको उससे सेफ रहने का पूरा राइट है, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी फ्रॉम टू थिंग्स, हेल्थ एंड लाइफ, ठीक है। इट मींस अगर मैं यहां पे वर्ड लिख दूं, अगर कोई आपकी कोई प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ खराब होती है, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, कोई रिएक्शन हो गया, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो कि सर इससे मेरा हेल्थ इश्यू हुआ। और लाइफ यानी कि उसको यूज करने से डेथ ही हो गई, ठीक है। तो दो चीजों को सेफ्टी रहने का पूरा राइट है, क्योंकि हेल्थ और लाइफ यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो दोनों अगर आपके पास नहीं है तो आप उस कंपनी पे केस कर सकते हो। अब देखिए कैसे काम करेगा ये पॉइंट, वो देखिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गलत तरीके से और जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और पजेस एंड सर्विस दैट आर हैजार्डियस, हैजार्डियस मतलब खतरनाक है, किसके लिए? हेल्थ और लाइफ। जो भी इंडिया में चीजें बना रहे हैं लोग जो कि हेल्थ और लाइफ के लिए खतरनाक हैं, आप उनके अगेंस्ट आइए, हम आपको आपका राइट टू सेफ्टी दिलाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ, क्योंकि इंडिया के हर सिटीजन को एक सेफ और सिक्योर लाइफ लेने का पूरा राइट है। और इसी चक्कर में अभी एक पॉइंट चेंज हुआ है इंडिया में, और वो कोर्ट के कहने के बाद काफी जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी कंपनीज ने कुछ एक नया सिस्टम कर लिया था, उससे वो बच जाती थी। क्या बचने था तरीका कि आप जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हो अपने प्रोडक्ट में फूड प्रोसेसिंग के बाद जो पैक करते हो, तो उसमें आपको क्या करना होता था ना, मतलब आपने कोई चीज जो प्रिजर्वेटिव डाला है उसका आपको नाम नहीं लिखना, क्योंकि नाम बड़े लंबे हो जाते हैं, तो उनके कोड नंबर होते थे। तो आप वो कोड लिख दो कि R32 E41 ये हमने इसमें डाले हैं। अब एक बात बताओ, ये तो साइंटिफिक तरीके की चीजें हैं तो साइंटिस्ट तो पढ़ लेगा, एक कंज्यूमर को क्या पता कि E41 में कौन सी वाली टाइप का केमिकल होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है। तो आप कभी पता ही नहीं कर पाते थे कि इसके अंदर कौन सी चीज डली है, तो इससे कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए किसी को एलर्जी है किसी पर्टिकुलर चीज से, डॉक्टर ने कह रखा भैया देख के लेना ये वाली चीज में ये चीज हो तो मत खाना। अब उसको थोड़ी पता E41 में वो आता है नहीं आता, उसने ले लिया उसको इंजरी हो गई, तो कोर्ट में केस गया। उन्होंने कहा सर ऐसे होगा तो कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आगे से आपको उन सब्सटेंस का नाम लिख के देना पड़ेगा, नॉर्मल नेम जो पब्लिक को पता हो, ना कि उनके कोड नेम। तो ये राइट टू सेफ्टी के अंदर किया गया, क्योंकि इससे सेफ्टी जा रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक सेफ और सिक्योर लाइफ लेने का राइट है, ठीक है।
कंज्यूमर्स इमीडिएट सेफ्टी रिक्वायरमेंट अ वेल एज वेल एज देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि आज की सेफ्टी, ना सिर्फ आज की बल्कि फ्यूचर की सेफ्टी देखते हुए काम करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका प्रोडक्ट जो आज तो हेल्थ खराब नहीं कर रहा लेकिन कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो 4-5 साल में आपकी हेल्थ खराब करेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पता लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी चीजें हैं जिससे आज तो पता ही नहीं लगेगा आप यूज करोगे तो, लेकिन इसके कंसिक्वेंस लॉन्ग टाइम पे आएंगे, तो फिर वो भी बंद किया जा सकता है, वो भी सेफ्टी के हार्म है। जैसे कि अभी बंद होने वाली है एक मेडिसिन इंडिया में, निमोसलाइड, ठीक है। तो पॉइंट इधर पेन किलर है, बहुत नॉर्मली यूज होने वाला पेन किलर है इंडिया में, लेकिन ये पाया गया कि निमोसलाइड यूज करने पर या इसमें जो सॉल्ट है वो यूज करने पर किडनी को लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर्स के इफेक्ट देखे गए लोगों में, तो इसलिए उसको अब क्या कर रहे हैं, बैन। क्योंकि आज तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा लेकिन सेफ्टी को तो प्रॉब्लम कर रहा है आगे जाके। तो ये चीजें आपको अकाउंट में रखनी है। अब एग्जांपल के लिए देखो, वो आपको कह रहा है किन किन से सेफ, जैसे कुछ प्रोडक्ट तो होते ऐसे हैं जो सेफ्टी के लिए, गैस सिलेंडर, ठीक है। अगर कल को गैस सिलेंडर फट जाता है तो बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं हेल्थ को भी और लाइफ को भी। तो आपके घर पे जो गैस सिलेंडर अगर वो लीकेज है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या खराब होता है तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। प्रेशर कुकर कंपनी जब कह के देती है कि हमारा प्रेशर कुकर ISI मार्क्ड है और इसके आप कितना प्रेशर पे ये फटेगा नहीं, ये होगा, मान लीजिए आपने यूज किया और फट गया, तो ये राइट टू सेफ्टी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। इसी तरह से वायरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, शॉर्ट सर्किट्स, ये सब आपके राइट टू सेफ्टी को प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये कहीं भी होगा आप उन पे केस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका राइट हो गया राइट टू सेफ्टी, जहां पे आपको सिर्फ दो मेन वर्ड लेके चलने हैं, आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ को कोई हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये दो वर्ड हमारे यहां मेन है, ठीक है। सेकंड इसमें हम एक राइट और ले लेते हैं, कर रही हूं फिर वही बात, आप दो चीजों को इंडिया के लॉस को आप कंप्लीटली जोड़ नहीं पा रहे आप अभी, क्योंकि आपके लिए लॉ नया है। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के लॉ ने जितना अलाउ किया हुआ है, अगर वो उतना काम कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं आ सकता, वो उसके बियॉन्ड होने चाहिए। ऐसे तो सीधे सीधे आप इतने दूर क्यों जा रहे हो भैया, दारू से तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकर तो लीवर ही फाड़ देती है, तो फिर तो बंद कराओ ना इसको, ये तो राइट टू सेफ्टी को प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि अलाउड है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि वो उस पैरामीटर से क्रॉस कर रहा है जो हमने अलाउ किया हुआ है, तो आइए ना हमारे पास, आपको सेफ्टी को प्रॉब्लम कर रहा है हम कह रहे हैं, तो भैया ये कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज है इंडिया में। आप कहोगे कि सर ये लॉ उस लॉ के साथ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, करता है। आप इधर राइट टू सेफ्टी की बातें करते हो और आप खुद ही ऐसी चीजें लाके देते हो जिससे सेफ्टी खराब हो रही है। तो डिमांड से नहीं चलता ऐसे, तो फिर ड्रग्स की डिमांड भी बहुत है, दुकान खोल दो ना, डिमांड इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना। अगर आप डिमांड, तो पता नहीं कितने डिमांड, हर दूसरा बंदा लॉटरी की डिमांड कर रहा है, उन्हें का लॉटरी चालू करो राजस्थान में वापस, बड़ा मजा आता था, एक 50 रुपए का टिकट खरीदते 5 करोड़ का इनाम निकलता था, कर दो ना फिर स्टार्ट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है उस पर हमारा जोर नहीं है, हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कंज्यूमर को उस लेवल से कुछ अलग मिलता है तो वो कोर्ट में जाकर केस कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक राइट आता है आपके पास, पहले इसमें एक जो है राइट का जो सेटअप है वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरा एक राइट है वो पहले लेते हैं हम। यहां पे एक राइट आ रहा है राइट टू चूज, बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, इसको देखिए, छोटा सा राइट है। इंडिया में कोई भी कस्टमर वाइड वैरायटी अवेलेबल मार्केट में से जो चीज चूज करना चाहे वो उसका राइट है। आप कौन होते हो उसको प्रेशराइज करने वाले कि वो ये चीज आपसे ही ले, ठीक है। चूजिंग के राइट को आप नहीं बता सकते। एग्जांपल के लिए मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में इस चीज, इस राइट टू चूज से किसको है, साड़ी वालों को, ठीक है। एक साड़ियों की दुकान है, लेडी गई हुई है साड़ी लेने के लिए, उन्हें कहा साड़ी दिखाइए भैया, ठीक है। अब क्या है, ऑब्वियसली बात है लेडीज हैं तो एक साड़ी देखते तो पसंद आनी नहीं है, पहले तो उसको बोलेंगे भाई वैरायटी दिखाओ आपके यहाँ पे क्या क्या है, तो बेचारा खुद ही साड़ी पहन के दिखा देता है दो चार, तो ठीक है। अब 50 साड़ी तो उसने पहले दिखा दी, अब उसको लग रहा है कि नहीं यार ये वाली तो पसंद आएगी, लास्ट में बोलेगी मजा नहीं आया आपके दुकान पे तो कुछ अच्छा वैरायटी नहीं था, फिर वो जाएगी पास वाले की दुकान पे उसको चढ़ाने के लिए,
ठीक है, 50 दुकान घूमेगी, उसके बाद मर्जी पड़ेगी जहां से लेगी नहीं तो नहीं लेगी। क्या ये दुकान वाला, उसका मन कर रहा है कि 50 साड़ी देखने के बाद जब तू नहीं ले रही तो डंडा उठा के इसके सर पे यहीं दे लूं, कैसे बाहर निकल के दिखा साड़ी ले, पर नहीं कर सकता क्योंकि राइट टू चूज। आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि वो आपके यहां से ले? ठीक है, आपने एक कार वाले को बोला भैया कार के डेमो के लिए कार लेके आओ हमारे घर पे, बेचारा कार के डेमो के लिए कार लेके आएगा, उन्हें कहा जी हमको लॉन्ग राइड चाहिए तब पता लगेगा कार कैसी होती है ना, 100 किलोमीटर लेके जाएंगे, जिसको जाना था ना वहां भी होया, ठीक है वापस आ गया, उन्हें कहा हाँ ठीक है सर, सर कार कैसी लगी, ना मजा नहीं आया यार, हाँ और उस पे भी डेमो लेने पे फ्री गिफ्ट भी है, मिलता है कार का डेमो लेने पर फ्री गिफ्ट भी देंगे, घुमा के भी लाएंगे, और फिर कार आपकी इच्छा है ले या ना ले, ठीक है। तो राइट टू चूज आपका पूरा अधिकार है, इतनी वाइड वैरायटी में से आप जो लेना चाहें वो लें या ना लें, ठीक है। तो लाइन देखिए, वेयर पॉसिबल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ कंपेटिटिव प्राइस, बहुत कुछ मिल रहा है मार्केट में, द प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज एग्रेसिव टेक्निक, आपको इतना एग्रेसिव टेक्निक टू सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब आप एग्रेसिव नहीं हो सकते कि आपको प्रोडक्ट मेरे यहां से लेना पड़ेगा, आप कहीं से भी लें, मेरा काम है आपको प्रोडक्ट दिखाना, उसके बाद आपका इच्छा है कि आप चूज करें यहाँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कितना हो गया।